हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि आज लाइव क्लास होने वाली थी, आज है संडे और अब तो शाम हो चुकी है। सुबह 8 बजे से मैंने लाइव क्लास को शेड्यूल किया था, बट किसी टेक्निकल कारण की वजह से वो क्लास आज आगे बढ़ा दी गई है। अब देखते हैं कब वो क्लास मैं ले पाता हूँ। सिस्टम जैसे ही सही हो जाएगा मैं उस क्लास को लूँगा। सिस्टम सही भी है लेकिन कुछ टेक्निकल इशू है जिसके वजह से वो क्लास नहीं चल पाई है। तो जैसे ही वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आपको कम्युनिटी टैब पर देखने को मिलेगा। मैं आपको खुद वीडियो में आके बता भी दूंगा कि क्लास कब चलेगी, तो फिर आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं। आज के इस एक्सेस के वीडियो में हम कुछ खास देखेंगे और वो क्या खास चीज़ें हैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्रिएट, तो बस क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो, एक नया सिनेरियो आता है जो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो टेबल बनी हुई है इसको ऑफ कर देंगे। हमें खुद से टेबल डिजाइन करनी है एसक्यूएल में जाकर के, तो यहां पे आए और यहां क्वेरी डिजाइन में जाएंगे और इसको ऑफ कर देंगे। जो ये ओपन हुआ है ना इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर दिया, यहां एसक्यूएल मिलेगा, क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपको लिखना क्या है, यहां पर लिखना है क्रिएट। क्या लिखना है, क्रिएट। तो यहां पर आप लिखिएगा क्रिएट। ओके, आई बात समझ में। क्रिएट, हमें टेबल बनाना है तो यहां लिख देंगे सिंपल वे में टेबल, तो क्रिएट टेबल लिख दिया। आप टेबल का नाम हमें देना, ध्यान रखिएगा कि ये लिखते वक्त गैप मत दीजिएगा बीच में, ठीक है। तो क्रिएट टेबल लिख दीजिए, टेबल का नाम दे दीजिए जो भी टेबल का नाम देना चाहते हैं, ठीक है। लाइक हम प्रोडक्ट का टेबल बना रहे हैं तो यहां पर लिख दिया प्रोडक्ट टी, प्रोडक्ट टी लिख दिया, टी प्रोडक्ट टी। ओके, अब ये टेबल का नाम हो गया। अब यहां पर हमें फील्ड कौन कौन से ऐड करने हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम ऐड करना है, तो यहां पे लिख देता हूं नेम ऑफ प्रोडक्ट। जब भी आप लिखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि दो जो शब्द होंगे उनके बीच में आपको अंडरस्कोर लगाना है, नेम ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। बस इस तरीके से आपको लिख देना है नेम ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ही लिखेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट का नाम आएगा। डेटा टाइप कौन सा होगा, यहां पर वेयर केयर मैं रखने वाला हूं, तो ये लिख दिया वेयर केयर। और इसकी साइज क्या रख देते हैं, 40 रख देते हैं, मैक्सिमम साइज 40, यानी 40 कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। फिर यहां बात करेंगे प्राइस की, PRICE प्राइस, ये दो चीजें हमने लिख दी। यहां पर करेंसी डेटा टाइप, करेंसी कर देता हूं करेंसी। ओके, ब्रैकेट ओपन करना है ना तो क्लोज करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है, बस क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए यहां पे रन पे। तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल बन जाएगी। अब ये देखिए यहां पर प्रोडक्ट का नाम आएगा, ठीक है, आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है, बाकी यहां प्राइस लिखना है। तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कीबोर्ड, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने कीबोर्ड, कीबोर्ड लिखा और यहां पर जैसे ही आते हैं तो कीबोर्ड की प्राइस आएगी, तो ₹340 ये कीबोर्ड की प्राइस हो गई, ठीक है। अब यहां पर जो है नेक्स्ट जो है उसको मैं कर देता हूं एलईडी मॉनिटर, ये लिखा एलईडी और फिर लिखेंगे मॉनिटर, तो ये लिख दिया एलईडी मॉनिटर। जैसे ही एलईडी मॉनिटर लिखेंगे तो इसकी प्राइस आएगी, तो जो प्राइस है यहां पर वो कर देते हैं यहां पर ₹17,000, ठीक है, स्मार्ट एलईडी मॉनिटर है, 17,000 प्राइस कर दी। यहां पर तीसरा जो प्रोडक्ट है उसका नाम आएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या करता हूं, यहां पर सीपीयू कर देता हूं, सीपीयू, ठीक है, तो यहां पे सीपीयू कर दिया हमने और यहां पर उसकी प्राइस आएगी, तो यहां पे ₹40,000 सीपीयू की प्राइस हम रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद कर देते हैं जीपीयू, जीपीयू के बारे में सुना है, जीपीयू अगर सुना है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, तो इसकी प्राइस कर देते हैं ₹12,000। ओके, तो ये 12,000 कर दिया। फिर आते हैं यहां पर, यहां पे लैपटॉप की बात करते हैं, लैपटॉप ये लिखना है, मैं लैपटॉप लिख दिया। लैपटॉप लिखने के बाद क्या करना है, इसकी प्राइस दे देनी है, तो यहां पर ₹45,000 लैपटॉप की प्राइस, प्राइस हमने यहां पे लिख दी ₹45,000। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया। अब ये प्रोडक्ट का टेबल हमारा बन गया है, सेव करके क्लोज कर दीजिए और इस क्वेरी को भी हम क्वेरी वन के ही नाम से सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसका भी काम हो गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमें डिलीट, जो डिलीट कीवर्ड है इसका यूज करके हमें डिलीट करना है रिकॉर्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां वापस से क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं, क्लिक करते हैं। अब हमें प्रोडक्ट टी नाम का जो टेबल है वहां से रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो यहां लिखते हैं डिलीट, तो बस हमें यही लिख देना है, देख सकते हैं डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट टी। यहां पे देखिए ये प्रोडक्ट टी नाम की टेबल है और यही टेबल हमने लिया है। जहां पर नाम हमें क्या मिले, नेम ऑफ प्रोडक्ट मिले हमें सीपीयू, तो देखिए यहां पर जब हम आते हैं ये देखिए, तो यहां नेम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, देख लीजिए, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट में सीपीयू है क्या कहीं, देखिए ये सीपीयू है, तो सीपीयू को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो सीपीयू को डिलीट करने के लिए हमने ये क्वेरी बनाई है। तो यहां से अब इसको रन करवाना है, तो यहां से अब हम रन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है यू आर
अबाउट टू डिलीट वन रोज, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि एक रो को आप जा रहे हैं डिलीट करने, तो क्या डिलीट कर दिया जाए? तो हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हम कर रहे हैं सब काम। तो बस अब देखेंगे तो जो सीपीयू दिख रहा था वो नहीं दिखेगा आपको। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, डिलीटेड लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से डिलीट कमांड काम करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल में। अभी मान लीजिए अगर कीबोर्ड को डिलीट करना हो तब क्या करेंगे, तो एक अलग से क्वेरी बना सकते हैं। यहां पर जाएंगे क्रिएट पर और फिर यहां से क्वेरी डिजाइन पर जाएंगे और इसको ऑफ कर देंगे और यहां वापस से आ जाएंगे एसक्यूएल पर। बस यहीं पर तो सारा काम है हमारा, यहीं पर सारा काम हमें कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे डिलीट, तो लिख देते हैं डिलीट, डी ई एल ई टी, डिलीट लिख दिया हमने। डिलीट किसको करना है, डिलीट कहां से करना है, डिलीट फ्रॉम, तो यहां दे दिया हमने डिलीट फ्रॉम। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम जो भी हो आपको दे देना है, तो यहां पर लिख देता हूं प्रोडक्ट टी, यही तो टेबल का नाम है, तो ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट टी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया प्रोडक्ट टी। प्रोडक्ट टी लिखने के बाद क्या करना है, सिंपल वे में यहां पर बताना है वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर नेम ऑफ, नेम ऑफ प्रोडक्ट है तो यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट, वेयर द नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इज इक्वल टू कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड, तो ये लिख दिया कीबोर्ड। तो बस ये कीबोर्ड लिखेंगे, डबल कॉमा क्लोज करेंगे और यहां से टर्मिनेट करेंगे, तो बस ये क्वेरी भी रन हो जाएगी। ये देखिए ये कह रहा है यू आर अबाउट टू डिलीट वन रो, तो एक और रो डिलीट हो जाएगी आपकी। तो यहां पर देखिएगा तो अब कीबोर्ड भी नहीं दिखेगा, देख सकते हैं यहां पर कीबोर्ड भी नजर नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। ओके।